पे चल रहा है। देन अगर सपोज हम लोग स्टोरेज स्पेस में अगर सिलेक्ट करते तो ये हम लोग का एक नया एनिमेशन आया है। तो अगर आप ऊपर स्क्रॉल करके जाएंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक एनिमेशन। दिस इज अ मेजर चेंजेस विद रेस्पेक्ट द MIUI 11। दिस इज रनिंग ऑन MIUI 12। अगर देखते हैं कि कौन सा एंड्रॉयड वर्जन पे रनिंग कर रहा है, ये रनिंग कर रहा है एंड्रॉयड वर्जन 10 पे। अगर वहीं पे अगर दो तीन बार अगर टैप करेंगे तो ये देखेंगे कि ये एंड्रॉयड वर्जन 10 पे काम कर रहा है। नेक्स्ट जो चेंजेस है वो है प्राइवेसी प्रोटेक्शन पे। तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन पे देखते हैं कि क्या चेंजेस है। जैसे ऑल परमिशन पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट करने के बाद कौन सा ऐप कौन सा डाटा यूज कर रहा है तो वहाँ पे पूरा एक परमिशन मैनेजर पर पूरा एक लिस्ट आ जाता है। ठीक है, देन उसके बाद सपोज हम लोग देखते हैं कि सपोज एक कॉल लॉग को ही सिलेक्ट करते हैं, तो कॉल लॉग को सिलेक्ट करने के बाद कौन सा ऐप यहाँ से कॉल लॉग से डिटेल्स ले रहा है तो वहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाता है। नेक्स्ट जो चेंजेस है वो है ऐप ड्रॉयर पे। पहले ऐप ड्रॉयर नहीं था, अभी ऐप ड्रॉयर आ गया है। तो ऐप ड्रॉयर पे हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज पे ऐप्स को कैटेगराइज किया जा रहा है। जैसे ऑल पे भी है, कम्युनिकेशन है, देन एंटरटेनमेंट है, फोटोग्राफी है, टूल्स है, देन शॉपिंग है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स यहाँ पे कैटेगराइज करके रखा हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग सेटिंग्स को सिलेक्ट करते हैं तो ऐप ड्रॉयर को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद डिस्प्ले को सिलेक्ट करते हैं। डिस्प्ले को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा ऐप ड्रॉयर। तो ऐप ड्रॉयर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे, एक तो ऑलरेडी ऐप